आष्टा के पास हुए सड़क हादसे के 20 घंटे दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो उसमें सवार लोगों के साथ डूबी रही। दोनों ब्रिज पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस को सुबह होने के बाद बोलेरो गाड़ी का पता लगा और नदी के अंदर कुएं में गाड़ी फंसी हुई थी। इसके बाद जेसीबी मशीन से रस्सियों से 4 घंटे तक प्रयास चलते रहे और गाड़ी बाहर नहीं निकली। तब परिजनों व रिश्तेदारों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर उग्र नारेबाजी शुरू कर दी। हाईवे पर आकर चक्का जाम भी कर दिया। सूचना पर कुछ देर बाद सीहोर एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को बताया कि हमने टीम बुलाई है, आधे घंटे में बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिर परिजन चक्का जाम को बंद करके नदी के किनारे पहुंचे, फिर वहां रस्सी की जगह लाइट के तार का उपयोग कर जेसीबी मशीन से स्थानीय लोगों ने पुनः खींच कर बोलेरो को बाहर निकाला और उसमें से लाशों को भी बाहर निकाला गया है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की नाकामी उजागर हुई। ये पता चलता है कि प्रशासन कितना लापरवाह है। आष्टा के विधायक रंजीत सिंह गुणवान इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी घटना स्थल पर एक बार भी नहीं पहुंचे। आष्टा से राज की रिपोर्ट। मैंने कई बार बोला कि आप हाइड्रो बुला लो, पता नहीं हाइड्रो भी नहीं बुला रहे, ना कोई साधन है, ना कोई इनके पास कोई भी ना रेस्क्यू।